भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच झारखंड की राजधानी रांची में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस टेस्ट मैच से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मैच रद्द कर इंग्लैंड की टीम को घर लौट जाने की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने इसे लेकर झारखंड के नक्सलियों को उकसाया है। आतंकी पन्नू ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में होने वाले मैच को तुरंत रद्द कराया जाए। आतंकी की इस धमकी को लेकर के मंगलवार को रांची के एक थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। आतंकी ने नक्सलियों के नाम एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि रांची का जो झारखंड स्टेडियम है वो आदिवासियों की जमीन पर बना है, आदिवासियों की जमीन पर मैच नहीं होना चाहिए। पन्नू ने ये वीडियो जारी खुद किया है और उसने माओवादियों से कहा है कि रांची में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कराने के लिए झारखंड और पंजाब में उत्पात मचा देना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के कप्तान को दी धमकी। पन्नू ने यूट्यूब के जरिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को भी धमकी दी है। इंग्लैंड के कप्तान से तो उसने ये भी कहा है कि वह भारत दौरा रद्द करें और टीम लेकर वापस लौटे। पन्नू की धमकी मिलने के बाद झारखंड पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। स्टेडियम से लेकर होटल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। एयरपोर्ट को भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कौन है पन्नू। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का जन्म पंजाब में हुआ था। 14 फरवरी 1967 को उसका जन्म हुआ था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है जबकि एक भाई विदेश में रहता है। कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में रहकर वो वहां रह रहे भारतीयों को खुलेआम धमकी देता रहता है। अब भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। रांची में टीम इंडिया का लक्ष्य है कि वो टेस्ट मैच जीते और सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ले। इंडिया टीवी क्रिकेट की रिपोर्ट।